Before, as you can see here, such a dark and black hair, and after, wow, such a beautiful pinkish pastel orange hair color. Hey guys, once again welcome to Shyama's Makeover channel. How are you all? I hope are you doing great. Kaise hain aap sabhi log? Kirokom achen apnara? So guys, today not me, in fact my colleague, his name is Akhil. Akhil ji, yes guys, he is gonna show you that how you can create this amazing, this pinkish and orangish pastel color, right guys? So make sure guys, watch this video till the end. Is video ko last tak dekhiyega aur batana chahti hu, Akhil ji is a amazing hairstylist, amazing artist. So guys, itna khoobsurat hair color unhone kaise kiya? Main jab kaam kar rahi thi, I saw, अरे वाह, इज डूइंग सच अ क्रिएटिव हेयर कलर. आई सेड अखिल जी, ज़रा आज मैं आपका वीडियो बनाती हूँ एंड आई एम जस्ट गोना अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल. देन ही सेड या श्योर. सो ये लॉकडाउन से पहले ये वीडियो मैंने यू नो मतलब आई मीन आई हैव द वीडियो बट मैंने शूट किया हुआ था एंड फाइनली आई डिसाइडेड चलो लॉकडाउन में हम घर पे हैं तो क्यों ना मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ आप सभी लोगों के सामने. तो गाइस, देर किस बात की है, वॉच दिस वीडियो टू द एंड. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इसी तरह मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करके ऑल ऑप्शन को क्लिक करके, जी हाँ, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा. और बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा यस गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट मेनी पीपल कैन सी एंड एंजॉय. शेयर, लाइक एंड कमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, बताना चाहती हूँ यहाँ पे यूज़ करना है आपने वेला ब्लॉन्डर लेना है और 30 वॉल्यूम के साथ आपने मिक्स करना है. मिक्सिंग रेशो होगा 1:2. एंड जी हाँ, देखिए जब वो स्टार्ट कर ही चुके थे तो देन आई सॉ, मैंने कहा अखिल जी व्हाट आर यू डूइंग. देन ही सेड कि आई एम क्रिएटिंग टुडे सम यू नो पिंकिश ऑरेंजिश इफेक्ट. आई सेड लेट्स, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो. तो बीच में जाके मैंने स्टार्ट किया. तो गाइस, मैं बताना चाहती हूँ बैक साइड से वर्टिकल सेक्शन आपने नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना जैसे आप ग्लोबल एप्लीकेशन करते हो. इसी तरह से या ही इज अखिल जी, ही इज़ डूइंग द हेयर कलर. सो बेसिकली आप देख सकते हैं प्रॉपर हम लोग यहाँ पे यू नो लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से पूरा फुल प्रिकॉशंस के साथ वर्क करते हैं. एंड यू कैन सी हियर, जी हाँ, बताना चाहती हूँ गाइस कि देखिएगा कि जब आप कभी भी कोई भी आप प्री लाइटनिंग करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे किस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं. जी हाँ, एंड ही इज़ अमन. या ही इज़ ऑल्सो अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट एंड अमेजिंग आर्टिस्ट. एंड यस गाइस, सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है आपको और प्री लाइटनिंग करना है. तो सबसे पहला प्रोसीजर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और प्री लाइटनिंग करना है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन में मैंने किया सो दैट आप आराम से देख सकते हो. जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी लॉकडाउन में हम लोग सब घर पर ही है. आराम से तसल्ली से देखिए वीडियो और सीखिए. जब सलोन ओपन होगा तो तब आप यू नो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इट्स बेटर टू वॉच एज मच एज, जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्लियर होंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल इन्होंने लिया है सेक्शन, पहले पूरा बैक में किया है और उसके बाद फ्रंट में, और यहाँ पे ये ब्लीच पूरा अच्छे से बोल में बना लिया है. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि इन्होंने ऐसे रैंडमली नहीं किया है, एक एक स्टेप ले रहे हैं और उसको मोटा मोटे सेक्शन लेके आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझना ज़रूरी है कि किस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं, पूरा बैक से
पहले अच्छे से एप्लीकेशन करना है और उसके बाद फ्रंट में करना है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस। तो जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बार बार मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर आप कहोगे बीच में, फिर आप कमेंट्स करते हो यूट्यूब में कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इसी तरह पहले लेफ्ट साइड में बैक का लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, फिर फ्रंट पोर्शन आपने करना है। तो इस तरह से अच्छे से आपने एप्लीकेशन करना है, राइट। एंड येस, आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि आई गिव ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस। आपको अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस के लिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9871369576। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर मोर क्वेरीज अबाउट ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस, या आप वन डे यू नो कंसल्टेशन क्लासेस भी ले सकते हैं जो कि है लॉरियल प्रोफेशनल हेयर कलर क्वेश्चन आंसर सेशन कंसल्टेशन क्लास। वो भी वन डे क्लास होता है जिसमें कि आपकी कोई भी क्वेश्चन होता है वो कंसल्टेशन के हिसाब से मैं आपको अच्छे से टीच करती हूँ, गाइड करती हूँ। और वैसे अगर आप चाहते हैं वन मंथ का कोर्स के लिए, ज़रूर आप कॉन्टेक्ट करना। एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत अच्छे से वीडियो मैंने मेंशन किया है, बनाया है वीडियो एंड अपलोड भी किया है। आप देखिएगा कि ऑनलाइन क्लास में। एंड यस गाइस, वांट टू टेल यू गाइस कि दैट यू नो आई प्रोवाइड Shyama's Makeover Certificate also, where I mention L'Oreal Professional all the hair color theory and basic classes। जी हाँ, जिसमें मैं basic to advanced level आपको सिखाती हूँ, जिसमें एक एक theory आप इतनी easily सीखते हो जो आपने कभी कहीं नहीं सीखा होगा। और faculties बहुत होते हैं, आपने देखा भी होगा कभी future में कोई problem होता है तो भी आपको मैं उसका answer देने वाली हूँ। जी हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ इसके बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अखिल जी, वो है 40 volume के साथ। और यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं इनोलॉक्स। इनोलॉक्स जो है एक तरह से ओलाप्लेक्स जैसे ही होता है, अगर आप इसको प्रोडक्ट में मिक्स करते हैं तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होता है, राइट। आई मीन क्लाइंट जो है एकदम हैप्पीली आपसे अपना हेयर कलर हर साल में एक बार या साल में दो बार वो करना पसंद कराती है, राइट। क्योंकि देखिए, बालों को डैमेज नहीं करना है, बालों को प्रोटेक्ट करके आप अच्छे से क्रेजी कलर को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ही इज अखिल जी, ही इज अमेजिंग हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, एंड आई रियली लव हिज वर्क। सो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड एप्लीकेशन, जब हमने यहाँ पे ओपन करके देखा इन्होंने कि ऊपर जो है वो लाइट है, पहले से येलो तो आ चुका है लेकिन नीचे जो है वो ऑरेंज है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे नीचे ही इसको एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, नीचे नीचे ही एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि वो जो नीचे वाला टोन है वो रहा आपका ऑरेंज, ऊपर है आपका पहले से येलो। तो कैन यू सी दैट, जहाँ पे भी ऑरेंज इफेक्ट है उसको आपने दोबारा से 40 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है और उसको उसी पोर्शन ही लगाना है जहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज टिंच है, ठीक है। इसी तरह ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं आने वाला समझ। यहाँ देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो ओपन किया हुआ है मैंने फॉल पेपर, और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पोर्शन में देखिए कैसे येलो है, नीचे है ऑरेंज। तो जी हाँ, ऑरेंज टिंच को ही आपने कट करना है जिससे ऑरेंज टिंच अच्छे से रिमूव हो जाएगा। गाइस, हिज नेम इज अमन। हाय अमन, हाउ आर यू? फाइन, यू सर? आई एम आल्सो गुड। So guys, how are you all? So as you can see here, his name is Aman with us. Hi Aman. So बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आपने देखा ही है जो प्रोसीजर हमारा चल रहा है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू हेयर कलर, अखिल इज गोइंग टू डू हेयर कलर। डिफरेंट और अमेजिंग फॉर्मूला होने वाला है। तो अब अभी आपको अमन बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर था, प्री लाइटनिंग को किस डेवलपर से मिक्स किया था, फर्स्ट एंड सेकंड कौन से डेवलपर से मिक्स किया था। तो नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन, सो लेट्स, यू कैन से अमन। सो हाय अमन, बताइए आप सबको कि कैसे कैसे आपने ये प्री लाइटनिंग किया है एंड अखिल जी के साथ आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैम, फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट एप्लीकेशन 30 वॉल्यूम से किया था। हमने 35 मिनट बाद उनको चेक किया तो 35 मिनट लेंथ पे उनका अंडरकोट पाउडर था रेड ऑरेंज। तो हमें रेड ऑरेंज काटने के लिए हमने फिर उसको 40 वॉल्यूम से एप्लीकेशन री एप्लीकेशन किया, जिससे क्या होगा कि हमारा अंडरकोट कट जाएगा और तो हम जिस जगह पर पहुँचना चाह रहे हैं वो जगह हम पहुँच सकते हैं। इसलिए अभी हम आधा घंटा का वेट किया है। अगर हम आधे घंटे तक वो जगह नहीं हो पता जिस जगह पर हमें पहुँचना है, अगर नहीं पहुंचेगा तो हम वॉश करके फिर देन री एप्लीकेशन 20 या 30 वॉल्यूम से कर देंगे। ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली आपने फ्रेंड से स्टार्ट किया और फ्रेंड का जो पोर्शन था जो कि 30 वॉल्यूम आपने लिया, इसलिए लिया था क्योंकि 30 वॉल्यूम जो कलर्ड एयर सेंसिटाइज एयर है 30 लिया, बाकी आपने सारा 40 में लिया। वेरी गुड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट।
यस गाइज बैक टू द क्लाइंट. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 40 वॉल्यूम भी एप्लीकेशन कर दिया है. लेट्स सी. ओहो वाओ व्हाट अ वंडरफुल अमेजिंग रियली नाइस ऑसम. थोड़ा थोड़ा तो है ही. लेट्स सी अभी क्या होता है. तो गाइज जब आप देखिए, इतनी बार तो ब्लीच नहीं लगा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइट ब्लीच नेक्स्ट टाइम तो लगाना ही पड़ेगा. दो बार तो लगा दिया है वेला का ब्लॉन्जर 30 और 40 के साथ. अब हम यूज करने वाले हैं जीके का जुवेक्सिन ब्लीच. यस गाइज, इस ब्लॉन्डर की ये खासियत है कि ये जुवेक्सिन बेस्ड है. जी हाँ, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है. बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट है और साथ साथ लिफ्टिंग भी बड़ी अमेजिंग होती है. कहीं पैचेस नहीं होता है, बाल डैमेज बिल्कुल नहीं होता. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन. ओ वाओ, बहुत ही अमेजिंग लिफ्ट हुआ है. पूरा ओवरऑल अमेजिंग लिफ्ट हुआ है. बताना चाहती हूँ गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, देखिएगा जीके का मेरा वीडियो. जी हाँ, दो वीडियो अपलोड करूँगी, देखिएगा. और गाइस वहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँगी कि किस तरह से आप आप बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस कि किस तरह से यहाँ पे वॉश का टाइम हो गया ना, टाइम फॉर वॉश. अभी धीरे धीरे सारे फॉइल पेपर को रिमूव करना है एंड देन इनोवा पोस्ट शैम्पू से पहले वॉश करना है. पहले माइल्ड वॉश करना है विच इज़ लाइक इनोवा पोस्ट शैम्पू. और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वी नीड एटलीस्ट 11 लेवल लिफ्टिंग, तो यहाँ पे 11 लेवल तक लिफ्ट हो चुका है बाल. और अभी देखिए कि कितना बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे वो एप्लीकेशन कर रहे हैं. तो क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट भी जानना ज़रूरी है. जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक कॉन्ट्रास्ट का रेड रोज़ है, 20 वॉल्यूम है एंड 9000S है. मैं बताना चाहती हूँ अगर 9000S की जगह आप क्लियर भी ले सकते हैं, राइट. ये एक इनका फॉर्मूला है. अगर आप ऑरेंजिश एंड पिंकिश को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इसकी जगह पिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो रेड रोज़ों की जगह आ जाएगा आपका थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ रेड, और मतलब मैजेंटा रेड. अभी यहाँ पे रेड रोज़ो है इसलिए थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंकिश दिख रहा है, मिक्स दिख रहा है. बताना चाहती हूँ जो इसका मिक्सिंग रेशो है, ध्यान से देखिएगा, इनका मिक्सिंग रेशो है जो 9000 है वो है 98% और 2% मतलब बहुत माइनर सा दिया हुआ है क्या रेड रोज़ो. जी हाँ, एंड देन पूरे बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करना है. एप्लीकेशन के बाद आप देख सकते हैं, और गाइस बताना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से एप्लीकेशन करना है, पतला पतला सेक्शन लेके एप्लीकेशन करना है. एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन लीव फॉर, यस आफ्टर एप्लीकेशन यू हैव टू लीव फॉर 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपने रखना है. एंड फिर चेक करना है कि कहीं क्लाइंट का बाल बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया है, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है. और उस दौरान मैं देख रही थी कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल वेदर, ये मेरे सलोन के बाहर का आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का सीन है. एंड यहाँ पे जो बाहर का जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. और यहाँ पे बर्गर किंग है. रियली मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस टाइम पे, तो मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ अपना सलोन, बहुत अच्छा लगता है रियली गाइज. एंड नाउ आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जब हम लोग शैम्पू स्टेशन में आते हैं वॉश के लिए, एंड नाउ हियर यू कैन सी, जी हाँ पहले आपने अच्छे से इमल्सीफाई करना है. आप देख सकते हैं रूट्स एज इट इज़ डार्क ब्लैक ही छोड़ा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं दिखने वाला है. अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे ना फर्स्ट ब्लीच ही, तो पता नहीं चलेगा. और मैं बताना चाहती हूँ गाइज, देन आफ्टर दैट द टाइम फॉर ब्लू ड्राई एंड एज यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल पिंकिश एंड ऑरेंजिश. ये इफेक्ट बहुत ही ऑसम है. अगर आपको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, तो अगर ये कलर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा, कुछ तो सीखा ही होगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा. और अखिल जी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, इज बेस्ट आर्टिस्ट एंड वी आर वर्किंग इन लुक सलॉन साकेत पीवीआर कॉम्प्लेक्स. एंड रियली वांट टू टेल यू गाइज की थैंक यू सो मच, थैंक यू अ बिग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा और लास्ट तक देखा. और आई होप कि आपको ये कलर अच्छा भी लग रहा होगा. अगर इंटरेस्टेड है इतना खूबसूरत है कलर के लिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576. एंड रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि अगर आप चाहते हैं कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, तो येस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, और भी अमेजिंग वीडियो है. मे आई गोट अ 1 मिलियन व्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल. एक वीडियो है स्पेसिफिक वीडियो, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं कि भाई 1 मिलियन व्यू मेरे यूट्यूब में आया है, मेरे व्यू वीडियो में आया है, तो एक्चुअली इसमें क्या खासियत है, राइट. एंड यस गाइस, लाइक एंड शेयर, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय.